हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपका पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश से है, यानी कि इंग्लिश का पेडागॉजी समझेंगे कैसे, यानी कि बीएड के पर्सपेक्टिव से, यानी अगर आप बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश को आप कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे, आपके माइंड में क्या उसके लिए थॉट्स होने चाहिए, आपका क्या जो है इम्प्लीमेंटेशन मैथड होना चाहिए टीचिंग के लिए, वो चीज़ें जो है आपको इसमें समझ में आती हैं पेडागॉजी में। तो बेसिकली अगर हिंदी में अगर इसकी बात करें कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो ये है भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति और इसका महत्व, और इंग्लिश में व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या होता है और लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये किस सब्जेक्ट के अंदर आता है, ये चीज़ पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी कि बीएड के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है जो बीएड कर रहे हैं या फिर पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट है उनका, तो फिर उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसके बाद देखिए, अब जैसे कि ये बीएड का टॉपिक है ना, तो बीएड का टॉपिक है ये, और इससे पहले एग्रीकल्चर का वीडियो आया था, तो ऑल्टरनेट आपको इसी तरीके से वीडियोज़ मिलते रहेंगे, जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो उनको बीएड के टॉपिक्स मिलते रहेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम्स में आएंगे ऐसे टॉपिक सिर्फ, और एग्रीकल्चर के टॉपिक्स भी आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको जब भी वीडियोज़ अपलोड होंगी तो नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा आपको, जैसे कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और अपने एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और प्लेलिस्ट तो बना ही हुआ है, प्लेलिस्ट बना है एग्रीकल्चर का, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 के नाम से, तो उसको आप वहाँ पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं जहाँ हम लोगों ने चैप्टर 11 तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है लिंगुआ, जिसका मतलब क्या होता है टंग, जिसका मतलब क्या होता है टंग। ठीक है, तो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, तो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है लिंगुआ, जिसका मतलब होता है टंग। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। अब लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है क्यों, क्योंकि ये जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है लैंग्वेज, आप दो चीज़ जब इसके कंपोनेंट है वो दोनों कंपोनेंट अगर साथ में होंगे तभी आपका लैंग्वेज सक्सेसफुल और मीनिंगफुल निकल पाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या है वो दो चीज़, पहला हो गया वोकल और दूसरा हो गया ऑडिटरी। ठीक, यानी कि लैंग्वेज को आप बोलें और आपको उस लैंग्वेज को सुनने वाला भी कोई होना चाहिए, तब तो जो है लैंग्वेज आपकी मानी जाएगी वो, अदरवाइज जब आप बोल रहे हैं किसी समझ में नहीं आ रही है तो वो लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज आपकी ओरल एंड ऑडिटरी दोनों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ओरल एंड ऑडिटरी। ठीक, जहाँ पर हम क्या करते हैं अपने इमोशंस, आइडियाज, थाट्स एंड फीलिंग्स जो है शेयर करते हैं, किसकी हेल्प से, तो लैंग्वेज की हेल्प से। ये हो गया लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछे लैंग्वेज क्या है तो लैंग्वेज आप यही बताओगे कि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि किससे एसोसिएटेड है, विद द लोक वोकल एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशंस ऑफ, उसके बाद इमोशंस, आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग्स आप लिख दोगे। ब्रॉडर सेंस में अगर हम कहें कि लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज ऑफ अ पर्सन, यानी कि लैंग्वेज एक तरीके से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम अपने किसी को थॉट शेयर करते हैं या फिर फीलिंग्स बताते हैं या फिर आइडियाज़ बताते हैं किसी पर्सन को, तो ये जो तरीका है बताने का, जिस वे में हम बता रहे हैं, ठीक है, यानी जो ओरल एंड ऑडिट वाला सिस्टम हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, लैंग्वेज वजह से, और वही लैंग्वेज है आसान भाषा में कि लैंग्वेज मेक्स कम्युनिकेशन मीनिंगफुल एंड फ्रूटफुल, यानी कि लैंग्वेज एक ऐसा है जो कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाता है और फ्रूटफुल बनाता है, यानी कि वोकल एंड ऑडिट ये दो कंपोनेंट होंगे तभी आपका लैंग्वेज क्या होगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। और होप ये चीज़ आप समझ गए हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर पूछेगा लैंग्वेज तो लैंग्वेज में आप ये चीज़ें लिखेंगे। नेचर ऑफ लैंग्वेज में बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो नेचर ऑफ लैंग्वेज को क्लियर करते हैं, जैसे कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स होल, ये खुद में एक कॉम्प्लेक्स होल, यानी कि पूरा एक इसका स्ट्रक्चर है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का। क्लियरली अ काइंड ऑफ कंट्रोल, लैंग्वेज क्या है, इट हैज़ अ क्लियरली काइंड ऑफ कंट्रोल होता है इसके पास। ओरल ओरल कम्युनिकेशन होता है, ओरल ओरल मतलब बोलना, ओरल मतलब सुनने वाला, ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन है।
इट इज इसेंशियली अ स्पीच, स्पीच है सही बात है। इट इज ऑलवेज रेशनल, ये रेशनल होता है ठीक है। इट इज डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक फिनोमेना, ये कोई स्टैटिक फिनोमेना नहीं है लैंग्वेज, ये डायनेमिक है मतलब चेंजेस चेंजेबल है, यानी कि लैंग्वेज कभी किसी की एक सीख जैसे नहीं होती ना, वही है डायनेमिक है लैंग्वेज। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ओरल एंड रिटन साइंस सिंबल्स एंड वर्ड्स, ठीक। लैंग्वेज क्या है, यूनिटी है। लैंग्वेज इज इवोल्यूशनरी इन नेचर, यानी कि इवोल्यूशनरी है, नए नए आइडियाज नए नए बोलने के तरीके आपको जो है डेवलप कर सकते हो आप। लैंग्वेज मीन्स टू कम्युनिकेट वंस थॉट, किसी एक के थॉट को कम्युनिकेट करना है, फीलिंग्स है, एक्सपीरियंस है, तो उसका क्या है, ये मीन्स है। क्या है, मीन्स है। पेन बदल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है रेड से लिखा हुआ है। तो ह्यूमन बींग इज क्या लिखा है, ह्यूमन बींग्स प्रिजर्व क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, क्या डेवलप करते हैं, प्रॉस्पर देयर नॉलेज, यानी कि नॉलेज को प्रिजर्व करना, डेवलप करना और प्रॉस्पर करना, इसकी हेल्प के थ्रू हो पाता है, तो लैंग्वेज की हेल्प के थ्रू हो पाता है। लैंग्वेज ना होती तो ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता पाता, ना आप मुझे समझ पाते और ना ही हम नॉलेज को प्रॉस्पर कर पाते, ठीक है। तो द नेचर ऑफ लैंग्वेज डिफर्स अकॉर्डिंग टू इट्स जियोग्राफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस, यानी कि ये जो नेचर है, क्या नेचर है जो आपका, नेचर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो नेचर ऑफ लैंग्वेज है ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू इट्स जियोग्राफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस, यानी कि जियोग्राफी कैसा है, सोसाइटी कैसी है और साइकोलॉजिकल बेसिस कैसा है किसी एक पर्टिकुलर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लैंग्वेज का नेचर क्या होगा, ठीक। क्या इन्वॉल्व करता है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग, ये दो चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है, इट अडॉप्ट्स टू मेन फॉर्म्स ओरल एंड रिटन, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ नेचर आप समझ गए, इतना और भी नेचर है, ठीक है, ये सारे नेचर्स आपको पता होना चाहिए। ये अगर आप नेचर पता है तो लगभग आप जो है चीज़ों को इजीली डिफाइन कर ले जाओगे। देखिए इतने यहाँ पर लिखे हैं, देखिए 3, 3, 6 यहाँ हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, आधा इंग्लिश आधा अंग्रेजी हो गया, तो टोटल 14 है आपके, कितने हैं, 14 पॉइंट्स हैं। अब इन 14 पॉइंट्स में से अगर आपने 7 भी याद कर लिए या 8 भी अगर आपको पता है तो फिर काम चल जाएगा अपना, ठीक है। 7-8 अगर याद है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, इजीली काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज देखिए क्या है, तो लैंग्वेज का है वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, जैसे कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ हम लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हैं, है ना, फ्रॉम बर्थ टू डेथ क्या है, हम लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड रहते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम कम्युनिकेशन ना कर पाएँ तो हम अपने आइडियाज़ को, ठीक है, अपने इमोशंस को, थॉट्स को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से बता ही नहीं पाएंगे, तो कभी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी लैंग्वेज की हेल्प से जो कल्चर है हमारा सोसाइटी का, ये भी डेवलप होता है, यानी कि कल्चर टू द सोसाइटी जो मिलता है तो ये भी आपको कहाँ से मिलता है, इसी लैंग्वेज की हेल्प से मिलता है, ठीक है। शेयरिंग आप जानते हैं, थॉट्स वगैरह पॉसिबल हो पाता है प्रेजेंस ऑफ लैंग्वेज की वजह से, ये ना होता तो ये चीज़ भी ना हो पाती। अब लैंग्वेज इज़ लाइक अ फ्लेश एंड ब्लड ऑफ कल्चर, यानी कैसा है, फ्लेश एंड ब्लड की तरह है लैंग्वेज। एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, सोशल कल्चर, ये जो आप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री सब पढ़ रहे हो, ये सब किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ नॉलेज। जो हम टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस है, ये भी विदाउट लैंग्वेज क्या होता, कम टू एंड, यानी कि एकदम खत्म हो जाता। तो इस वजह से इंपॉर्टेंस है नॉलेज लैंग्वेज का, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट है कि वॉइसेस जो होती हैं वो दो फंक्शन सर्व करती हैं इन कम्युनिकेशन, जैसे कि एक होती है लिंग्विस्टिक फंक्शन, एक होती है नॉन लिंग्विस्टिक फंक्शन। तो लिंग्विस्टिक फंक्शन का क्या मतलब होता है, सर्व एज द व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ये व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम की तरह काम करती है। कैसे, व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम, काफ़ी ये मोटा हो जा रहा है इंक वाला, वो पेन सही रहता है, यानी कि व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन की तरह जो है लिंग्विस्टिक फंक्शन आपका काम करता है वॉइस। और नॉन लिंग्विस्टिक फंक्शन में क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है रिलेटेड टू एज, सोशल बैकग्राउंड, सेक्स, इंटरेस्ट एंड ऑफ द पर्सन कंफर्म कंसर्न। तो नॉन लिंग्विस्टिक फंक्शन में क्या इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, एज से रिलेटेड, सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड, सेक्स, इंटरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड, है ना। और वहीं लिंग्विस्टिक फंक्शन क्या सर्व करता है, ये एज अ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम की तरह सर्व करता है लैंग्वेज का, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। ये जो है अगर आप बीएड कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज,
नेचर ऑफ लैंग्वेज बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बताइए, एंड वॉइसेस सर्स टू फंक्शंस इन कम्युनिकेशन वो बताइए, लिंग्विस्टिक फंक्शन एंड नॉन लिंग्विस्टिक फंक्शन। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं, कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइज, ऐसे ही एजुकेशन वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड होंगी। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।